सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया, मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाजरीन, अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के खिलाफ खासी एक्टिव दिखाई देती है। 25 जुलाई को यौम सियात तो अपोजिशन की तरफ से मनाया गया और उससे पहले भी और उसके बाद भी मौलाना फजल रहमान ने खास तौर पर हुकूमत के खिलाफ महाज को गर्म रखा हुआ है। आज भी उन्होंने क्वेटा में जलसा किया जहाँ लोग तो उनके जलसे में खासी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसी हुकूमत हमें कबूल नहीं है जो पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस को ख़राब कर रही है। साथ उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को इस वक्त बदहाल कर दिया गया है, मुल्क की मईशत इस वक्त निचली दर्जे पर पहुंच गई है, गरीब का जीना यहां पर इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज़ को ना सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी पॉलिसीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मुआविन खुसूसी इरफान उलग जो उनके मुशीर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई, उस सारी सूरत हाल पर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। समी इब्राहिम साहब सीनियर कार हैं, प्रोग्राम तजिया के रेगुलर होस्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद गजनफर जो क्वेटा के नुमाइंदे हैं बोल न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जल्दी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। समी साहब, आपकी तरफ आने से पहले ज़रा मोहम्मद गजनफर से मैं उस जलसे का अहवाल जान लूँ जिस पर हम बात करने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान जब खिताब कर रहे थे, ज़ाहिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। गजनफर, ये कौन लोग थे? ये आम लोग थे जो कि महंगाई से तंग आकर, हुकूमत से की पॉलिसी से तंग कर इस जलसे में आए थे, या इनका ताल्लुक किसी मजहबी तबके से था? देखिए, मौलाना साहब के जलसा आज का हमारी नजर में जो हमने देखा कामयाब रहा, उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मौलाना साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके अलावा मौलाना साहब की जो पार्टी में मुख्तलिफ MNAs MPAs हैं सबका और मौजूदा, वो जो है ज़ाती तौर पर हम नहीं कह सकते कि मौलाना हैं, तो उनके साथ के जो लोग थे वो आम आवाम थी और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौलाना साहब के खास उनके कारकुनान की थी, तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मौलाना साहब ने जो एजेंडा उठाया है, एक तो आवाम वैसे महंगाई और दीगर बेरोजगारी के शोबों से तंग होकर जलसे में पहुंचे, जबकि जो दूसरा एजेंडा मौलाना साहब ने उठा रखा है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उस हवाले से भी हमने देखा कि जलसे में बहुत बात मौजूद थी जिससे मौलाना साहब ने खिताब किया। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें जो है उन्होंने टाइम दिया, टाइम फ्रेम दिया गवर्नमेंट को। उनका कहना था कि अगस्त का महीना हम गवर्नमेंट को हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए अगस्त के महीने की मोहलत देते हैं और उसके बाद हम अक्टूबर में इस्लामाबाद का रुख करेंगे और फिर मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब जो है जिस तरह गिरफ्तारियां कर रही है, नैब माजी में इस तरह बेनकाब नहीं हुआ जिस तरह अब बेनकाब हुआ है। उन्होंने फौज के हवाले से वजाहत पेश की, उन्होंने कहा कि फौज के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है लेकिन चंद ऐसी पॉलिसीज हैं जिस पर फौज को नजरसानी करने की जरूरत है और रियासत को अपना मौकफ पेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आलमी सतह पर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ और उसकी गुलामी में धकेला जा रहा है उसकी वो बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने नामूस रिसालत का जो मौजू था उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये कानून जो आयन में मौजूद है उसको हम किसी तरह भी आयन से बाहर होने नहीं देंगे, और उन्होंने अपने कारकुनान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इस सिलसिले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि नैब की गिरफ्तारियों से अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब हमने उनकी बाजी लगा दी है। जी 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 जी, एक सेकंड गजनफर रुकिएगा जरा। जी समी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी गजनफर, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा सही जो उनका नुक्ता नजर है वो बयान किया। जो अरबाब का सवाल था, मदारिस के बच्चे कितने थे और क्या ये लोग महंगाई की वजह से वहां पर आए थे या ये आम आदमी था नामूस रिसालत की वजह से वहां पर आया था, क्या आपकी अपनी फीलिंग, अगर किसी से आपकी बात हुई तो ये जो क्राउड था ये ज्यादा किस वजह से वहां पर आया? जी समी साहब, बिल्कुल, मैंने इस पे पर्सनली जो है वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा जलसा शुरू होने से पहले, मैंने कहा क्या आप मदारिस से हैं, तो उसमें से जो मुझे मिले लोग उसमें ज्यादातर उन्होंने कहा जी हाँ हम मदारिस से हैं, जबकि एक बड़ी तादाद कह सकते हैं ऐसी थी जो उन्होंने कहा कि नहीं हम जमीयत के कारकुन हैं लेकिन हमारा मदारिस से ताल्लुक नहीं है। और जलसा जब शुरू हुआ तो मौलाना फजल रहमान ने इस चीज पर खास बात की, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या इतनी बड़ी तादाद मदारिस के बच्चों की हो सकती है? हम पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हम मदारिस के बच्चे लाते हैं। उन्होंने हुकूमत को भी
تنقید کی کہ انہوں نے بھی یونیورسٹی کے بچے لائے تھے, لیکن یہ جلسے میں مدارس کے بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, بچے یا مدارس کے جو لڑکے ہیں نوجوان ہیں وہ موجود تھے, اور ان کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس جلسے میں شریک تھے. صحیح, چلیں غزنفر مولانا صاحب کے اب ایک سوال اور ارباب آپ کی اجازت. جی سمیع صاحب بالکل بالکل. غزنفر یہ آپ نے یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ مدارس کے لوگ تھے یا جو جمعیت کے کارکن تھے یہ وہ لوگ تھے جو آپ سے چند سال پہلے مدارس میں ہوں گے, ایک بڑی تعداد ان کی اپنی جماعت کی آ گئی, جو کوئی دوسرے لوگ بھی کچھ ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو زیادہ کس وجہ سے تھے, مولانا کی شخصیت کی وجہ سے, ان کے پارٹی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, یا ایشو پر آئے تھے, اور ناموس رسالت کا جو معاملہ تھا کیا وہ بھی بہت سارے لوگوں کی وہاں پر اٹریکشن کا باعث بنا؟ جی بالکل سمیع صاحب, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جلسہ اس لیے بھی کامیاب رہا کیونکہ ناموس رسالت کا جو ایجنڈا مولانا صاحب نے اٹھایا اس پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھا وہاں پر موجود تھی, کیونکہ جلسے کے دوران جو نعرے لگائے جا رہے تھے تو وہ ناموس رسالت سے ہی متعلق زیادہ تر ہم نے سنے, اور حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے, لیکن ناموس رسالت کا ایجنڈا جو ہے وہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جلسے میں شامل تھا, اور مولانا صاحب نے بھی اسی چیز کو فوکس کیا, اور انہوں نے ان تمام جو جلسے میں شریک لوگ تھے ان سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اسلام آباد کا رخ کرنے کے لیے اکتوبر میں تیاریاں شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت ٹھیک ہے, چلیں غزنفر بہت شکریہ آپ سے وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں ہم مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہے. سمیع صاحب اب رمیش کمار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جو اس جلسے کے اس پورے ایکٹیویٹی کے جو سیاسی اینگل سے اس پر تو ہم آتے ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن سمیع صاحب پہلے آپ سے ایک میرا سوال, جو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی حکومت قبول نہیں جو اسلامی تشخص جو پاکستان کا اس کو نقصان پہنچا رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں, ان اصولوں کاربند رہنے کی بات کرتے ہیں, تو کس طرح سے یہ حکومت اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ارباب, جو بنیادی سوال اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے, ہر وہ نعرہ استعمال کر رہی ہے جس سے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جا سکے, اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈالا جا سکے, اور اس کا مقصد ایک ہے کہ جو اس وقت احتساب کے حوالے سے جو مقدمات ہیں یا جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان کو آپ روک سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بلاول بھٹو نظر آتے ہیں, وہ کبھی الطاف حسین کی حمایت کرتے ہیں, کبھی پی ٹی ایم کی حمایت کرتے ہیں, کبھی وہ بہت اہم جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, تو ایک ہی ان کا مدعا نظر آتا ہے کہ ان کو اپنا ریلیف چاہیے والد صاحب کے لیے, اپنی پھپھو کے لیے, یہاں تک کہ وہی بلاول بھٹو یا وہی پیپلز پارٹی جو آج سے 6-7 مہینے پہلے خون کی پیاسی تھی مسلم لیگ نون کی, اب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر لیں, آپ ماضی میں کیا ہوا تھا, یہ بات سوچنی چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ 1977 میں جس وقت تحریک چلائی اپوزیشن نے, پہلے یہ 35 نشستوں کی دھاندلی کا معاملہ تھا, لیکن پھر بعد میں وہ نظام مصطفیٰ پر چلی گئی بات, ابھی بھی آپ دیکھیں جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ چلی گئی اور ماشاء اللہ لگا ضیاء الحق کا بدترین اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ناموس رسالت یعنی مذہب کے نام پر لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ان کو آپ لے کے جلسوں میں آ رہے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم اگست کا مہینہ دیتے ہیں, آپ استعفیٰ دے دیں وگرنہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, ناموس رسالت کو یہ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے, یہ الزام ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی تشخص مذہب کا جو استعمال ہے پاکستان کی سیاست میں ارباب, ماضی میں اس نے انتہا پسندی کو فروغ دیا, بہت ساری تنظیمیں جو مذہب کے نام پر آئیں, اور پھر اس طرح کے جو سینسٹیو ایشو ہیں, کیونکہ پاکستان ناموس رسالت تو ہر انسان کا پاکستانی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, تو اب پالیٹکس میں اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے اگر آپ ناموس رسالت کو ایشو بنائیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے اور ٹلٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ تو آپ پاکستان کو دوبارہ انتہا پسندی کی جانب دھکیل رہے ہیں, جھوٹ کی بنیاد پر وہی پالیٹکس کر رہے ہیں جس نے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا, اور پھر یہ سب لوگ, اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود اس تحریک کے روح رواں تھے, وہ سربراہ تھے اسلامی جمہوری اتحاد کے جس نے یہ سارا اسلام کے نام پر پالیٹکس کی اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے محروم کیا, تو یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے, اور پھر اس میں آپ دیکھیں جیسے کہ سارے جو بچے ہیں وہ مدارس کے لوگ ہیں, تو پھر اسی لیے جب مدارس کی رجسٹریشن کی بات کی جاتی ہے, جب وہاں پر نصاب کی بات کی جاتی ہے,
तो ये तमाम मजहबी जमातें आ जाती हैं कि हम ये नहीं होने देंगी। और अपोजिशन की जो लिबरल जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज शामिल है बजाय, वो हकूमत पर ये दबाव डालती हैं कि जी आप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं करते। अब वो अमल और उन्हीं के साथ ही कहते हैं कि अगर आपने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया तो हम एहतजाज करेंगे। तो ये आप देखें किस कदर सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने, और इसके विक्टिम कौन है अरबाब? उसके विक्टिम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि इन नॉन इश्यूज की वजह से या इन इश्यूज को बनाना इस तरह से प्रेजेंट करने की वजह से आम जो आम आदमी की जो जिंदगी है उसके हवाले से तो बात ही नहीं पाती। सही, चलें रमेश कुमार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमेश साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन एक मुख्तसर सा एक कमेंट मैं समी साहब से लेना चाहूं। समी साहब, जो अभी आपने पूरी सूरतयाल बयान की, मौलाना किस तरह मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, माजी में क्या कुछ होता रहा, इस तमाम सूरतयाल के बावजूद भी अभी जब चेयरमैन सेनेट को बचाने का मामला था उस पर हुकूमती वफ्द मौलाना के पास गया, उनसे ही दरख्वास्त की गई कि चेयरमैन सेनेट को बरकरार रहने दिया जाए, ज़ाहिर उन्होंने उस हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया, तो फिर ये वफ्द क्यों मौलाना साहब के पास गया, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता था इस सियासी मामले पर? इस पे बिल्कुल हम रमेश साहब से भी पूछेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें खबर दे देता हूँ। इसमें खबर ये है कि जिस वक्त शिबली फराज साहब गए वहां पर, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इनिशिएटर था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, और उन्होंने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप हमारे साथ अपना बंदा भेजें। अब तहरीक इंसाफ ने भी जो मुशावरत हुई उसमें इमरान खान साहब शामिल नहीं थे, जहांगीर तरीन साहब क्योंकि बहुत क्लोज है इमरान खान साहब के, उनसे मशावरत हुई शिबली फराज साहब की, और उसके बाद वो उस डेलीगेशन में चले गए। वहां पर जब गए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पर मौलाना ने एक ये इंडिया दिया, एक पत्ता फेंका, इस तरह से बात की कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को फोन करें और उनसे बात करें तो हो सकता है इस पर बात आगे चलाई जा सके। यानी ये डायरेक्टली मौलाना ने बात नहीं कही, लेकिन गुफ्तगू में इसका इशारा किया, जिस पर शिबली फराज ने वहीं पर इस बात को ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बाद में दूसरे दिन मौलाना ने ये पॉलिटिकल एक नारा लगाया और ये बात की कि जी मैंने एनआरओ नहीं दिया इमरान खान को और हम अपोजिशन एनआरओ नहीं देगी इमरान खान को, हालांकि सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो अपोजिशन की जमात ने ही वोट दे के उनको बनाया था, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, वो कुछ नहीं थे उसके तहरीक इंसाफ के। तो बुनियादी तौर पर ये एक इशू है जिस पर रमेश कुमार साहब जवाब देंगे, और इमरान खान साहब ने आकर इस पर बड़ी सरजनश की है और कहा है कि ये इमरान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों गए मौलाना फजल रहमान के पास। सही, तो रमेश कुमार साहब क्या पॉलिटिकली मिस हैंडलिंग हो गई इस मामले में कि खान साहब को इल्म ही नहीं था और शिबली फराज साहब जो ज़ाहिर कायदे ऐवान है सेनेट में वो पहुंच गए मौलाना के पास, वो मौलाना जो कि उस दिन भी आपको तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज भी क्वेटा में आपकी ही हुकूमत आपकी ही काबीना पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे थे? शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, तो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर से बात कर रहे हैं, आज स्टूडियो में नहीं है। जी बिल्कुल, देखें पॉलिटिकली किसी के पास जाना कोई मसला नहीं है, मगर हम पॉलिटिकली दुश्मनी में मतलब अपोजिशन में आगे इतना बढ़ जाते हैं, कभी हम साथ चलते हैं तो इतना नज़दीक आ जाते हैं कि दूसरे दिन उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, और जब हम अपोजिशन में होते हैं इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसके लिए जब हम नज़दीक आने की कोशिश करते हैं किसी न किसी बात के ऊपर, तो फिर वो राहें इतनी दूर जुदा हो जाती हैं कि नज़दीक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को चाहे लीडर को इस लेवल पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि कल जो है वो मफादात की सियासत या आगे आके आपस में दोबारा बैठे, जैसे अभी PMLN और पीपल्स पार्टी दोबारा आप देखें कि अपनी मफादात की खातर कैसे बैठी है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शिबली फराज जो वहाँ पे गया है और वो प्राइम मिनिस्टर की बग़ैर इजाज़त के गया है, मैं नहीं समझता लाजमी है उसकी इजाज़त से गया होगा, मगर एक फॉर्मली उसकी चॉइस नहीं है। खान साहब नहीं चाहेंगे कि आप इसके लिए जाएँ, क्यों खान साहब एक बोल्ड और ब्लंट तरीके से बात करते हैं, वो कहते हैं कि करप्शन के ऊपर जो लोग ऐसे हैं उनको मैं किसी भी तरीके से स्पेयर नहीं कर सकता हूँ, मगर अगर वर्कर्स कहते हैं कि सर जाने में अर्ज नहीं है आप छोड़ें, हम जाते हैं और बात करके देखते हैं, हो सकता है कि जो है ये जो एक टर्मोइल की सिचुएशन है उसी हम निकल आएँ, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप भली जाओ, मगर मुझसे जो है वो मगर मैं राधी खुशी उसकी परमिशन भी नहीं होती है और उसके ऊपर डिसएग्री भी नहीं होते। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकली मूव कभी कभार हो जाती है,
तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मगर आगे हम अपोजिशन में इतना बढ़ जाते हैं जिसमें अच्छा भी नहीं लगता। अभी आप बोलते हैं, अब आप मीडिया आजकल एक आईना है, वो आके खड़ा हो जाता है कि भाई कल आपने इसी के लिए ये अल्फाज बोले थे, आप सवाल इस पे आपसे करना चाह रहे हैं, मगर इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप पहले कर रहे थे, मुझसे आपने मौकफ नहीं लिया, जो मौलाना फजल रहमान जो है वो, ये तो पोलिटिकली मूव है और ये जो भी होगा वो देखा जाएगा, मगर जो मेन चीज़ है जो मौलाना फजल रहमान जिस तरीके से लोगों को कह रहा है, फिर सियासत के अंदर जिस तरीके से मजहब को लेके आ रहा है, मैं समझता हूँ इतनी उम्र गुजरने के बाद जो है लोगों को सोचना चाहिए कि अब हम अपनी मुल्क इस धरती माँ से और कितना खेलेंगे, ऐसे हम क्या अब इन चीज़ों से लोग, मगर अब लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई है पैदा, और अच्छे अच्छे एंकर्स जो है टीवी के ऊपर, राइटर्स जो है वो लिखते हैं, हकीकत आईना दिखाते हैं, चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे माजी की बातें हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था मुशादला खान का, तो जब हुकूमत के ऊपर चढ़ रहे थे तो उसने, एंकर ने यही कहा कि आपने फिर इन इदारों को ठीक क्यों नहीं किया। तो बात यह है कि आज कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, इस तरीके से लोगों को गुमराह करके मुल्क के अंदर अभी किसी किस्म की ऐसी टर्मोइल सिचुएशन ये नहीं पैदा कर सकते, मगर इंटरनेशनली जो है वो फिर हमारे मुल्क को गलत जो है वो राह के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमारे ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं वो ये पैदा करने की। माजी में भी यही रिलीजियस तंजीमें थी जिसको आज भी वोट नहीं मिलते इतने, 5%, 6%, 7% आती हैं, मगर उनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम पहले भी बदनाम काफ़ी हो चुका है कि मुल्क के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटी के साथ ज्यादती है, इतने इशूज़ हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहते हैं कि भाई पहले ही ह्यूमन राइट इशू इतना है, अगर ये लोग इस वक्त और जो है वो ऐसी बातें करते हैं तो हम मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, कम से कम जो मोहब्ब वतन पाकिस्तानी है उनको ऐसी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, अपनी सियासी मूव है उसको सियासी मूव करना चाहिए, स्पेशली मजहब को जो है वो नहीं डालना चाहिए। मैं खान साहब को भी कहता हूँ, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कहता हूँ कि खान साहब आप मैसा के मदीना की बात नहीं करें, क्योंकि मैसा के मदीना रोल मॉडल आपके बस की बात ही नहीं है कि आप पाकिस्तान को मदीना मॉडल बना सकें। मदीना मॉडल तो वो था जहां पे जो दुश्मनों को भी कहा कि आप हमारे बच्चों को टीचर जो है वो सही तरीके से तालीम दें, आपकी सारी हमने चीज़ें माफ़ कर दी। वहां पे तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का तफात ही नहीं था, बूढ़ी औरत के ककड़ियाँ फेंकने वाली बूढ़ी औरत को आप खुद देखने उसके तबीयत के लिए पूछने चले गए। तो मदीना रियासत की बात नहीं करें, नहीं वो मदीना रियासत की बात करें, नहीं ये ब्लेस हुई है, ह्यूमन राइट इशू के ऊपर फोकस करें, अपनी सियासत के ऊपर फोकस करें, गवर्नमेंट के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, अवामी इश्यूज के हवाले से हर पॉलिटिकल पार्टी का मूव होना चाहिए, मगर करप्शन बचाओ तहरीक भी नहीं होनी चाहिए। अवामी इश्यूज के ऊपर होंगी, हम जैसे लोग हैं, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, सही होगा उसको सही कहेंगे, मगर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की लेके आएंगे या ये लेके आएंगे, समी इब्राहिम जैसे बहुत सारे एंकर हैं जो उनको डिसएग्री करेंगे और ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। सही, चलें रमेश कुमार साहब, समी साहब से भी मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। समी साहब, खुद रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि रियासत मदीना की बात नहीं करें, जाहिर है उस जैसी रियासत को आज के हालात में और आज के लोगों के दरमियान रहते हुए शायद नहीं, उसका पाए तकमील तक वो ख्वाब नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि आप खान साहब में वो कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या वो जो उनके अंडर में वो टीम काम कर रही है उसके होते हुए जाहिर है इतने खान साहब को इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कि मुमकिन नहीं है रियासत मदीना का ख्वाब? देखिए, जो रमेश कुमार ने बात की है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स थे रियासत मदीना के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद थी, फिर उसके बाद जो खुलफा आए उन्होंने भी वो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की थी, तो वो उनकी इतने हाई मॉरल ग्राउंड थे, जो बेंच मार्क, जो स्टैंडर्ड उन्होंने तय किए। आज का इंसान जो इस वक्त लालच में मुबतला है और इस किस्म के हालात हैं यहाँ पर, शायद ये मुमकिन ना हो उन बेंच मार्क्स को अचीव करना। तो इस हवाले से, इस हद तक तो मैं रमेश कुमार से मुत्तफिक हूँ कि वो बेंच मार्क अचीव करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन इमरान खान साहब जो ये कहते हैं कि मैं रियासत मदीना की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे उनका मकसद ये होता है कि जो असूल वजह किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुलफाए राशिदीन ने, और जो इस्लाम का जो बुनियादी हिस्सा है जिसमें हर चीज मेरिटोक्रेसी पर है और माइनॉरिटीज के हकूक का मुकम्मल तहफुज है, वो
वो बेंच मार्क जितने भी हम अचीव कर सके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं समझा हूँ इमरान खान साहब की बात को, वो तो ये कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमेश कुमार साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये मौलाना फजलुर रहमान से जो बातचीत का इशू है ये बहुत अहम है, और इन्होंने ये तासुर दिया है कि ये हो नहीं सकता कि शिबली फराज वजीर आजम साहब की इजाजत के बगैर गए हों, और वर्कर्स जो है खुद कहते हैं समटाइम्स पॉलिटिक्स में इतना दूर नहीं जाना। लेकिन रमेश कुमार साहब मुझे ये बात बताएं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सारी जो कोशिश है इन सियासी जमातों की, ये अपोजिशन की, ये सिर्फ एनआरओ मांगना चाहते हैं, इत्तेसाब की कार्रवाइयां रुकवाना चाहते हैं, जो लूटी हुई दौलत है उसको देने से इनकारी है। तो अगर शिबली फराज गए हैं वहां पर तो क्या ऑफर वो लेके गए, क्योंकि जो कुछ भी अगर कोई इस हवाले से कुछ होना है, पॉलिटिक्स नाम है गिव एंड टेक का, तो मौलाना को देने के लिए फिर इन लोगों के पास क्या था वो। लेकिन इस मूव ने इतनी सुबकी की है, तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास जाने, वो कहते हैं इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट से निकल आए, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पर जो वोट था तहरीक इंसाफ का वो इन्हीं करप्ट लोगों को पॉलिटिक्स से निकालने के लिए था। अगर आपने भी आज मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाना है जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलाया, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है। पॉलिटिक्स अगर असूल पे करनी है, पॉलिटिक्स अगर लोगों को रिलीफ देने के लिए करनी है, तो उन्हीं लोगों से जिनके बारे में वॉशिंगटन में इमरान खान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट डीजल के बगैर चल रही है, और आप ये कह रहे हैं कि जी वर्कर्स ने कहा कि हम चले जाते हैं और ले आते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप बता रहे हैं रमेश कुमार साहब। समी इब्राहिम साहब, सियासत एक इबादत होती है, सियासत एक खिदमत होती है, मगर पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस चीज़ की कमी है। सियासत के अंदर ज़िद्द है, सियासत के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर मफाद है, सियासत के अंदर इबादत और खिदमत का जज्बा कम है। सियासत और जहाँ पे ज़िद्द आ जाती है, क्योंकि सियासत नाम शुरू ही टॉलरेंस से होता है, सब्र से होता है, तहमुल से होता है, बर्दाश्त से होता है, उस चीज़ की यहाँ पे कमी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। एक क्योंकि आपको पता है इन 17 सालों के अंदर मैंने सारी लीडरशिप के साथ काम किया है, मैं देख रहा हूँ एज ए माइनॉरिटी लीडर अपनी कौम को भी देख रहा हूँ, मैसा के मदीना को मैंने पढ़ा है, मैंने आखिरी पैगंबर की पूरी लाइफ को मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसको खुदा ने खुद रहमतुल आलमीन का लकब दिया था, किसी आदमी ने नहीं दिया था, खुदा ने दिया था। तो उससे मैच करना कि भाई हम उस जैसी ये करेंगे, उसको करने के लिए पहले आपको उस जो है ना वो एक, अब आके मैं इस ये मज़े बातें मैं करना नहीं चाहूँगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो चीज़ें मुमकिन नहीं है। रही बात कि मौलाना के पास क्यों गए, मैं आपको आज ये क्लियर बताऊं कि खान साहब ज़िद्दी हैं और खान साहब का एक पॉइंट के ऊपर क्लियर है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर करप्ट माफिया के साथ कोई एनआरओ, कोई कंप्रोमाइज इन इश्यूज़ के ऊपर नहीं होगा। बाकी रही बात आगे चलने की, मुल्क के लिए कोई हमें ये नहीं कहे कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टी जिसके स्टेक हैं, जिसके मेंबरान हैं, हमने मुल्क की इश्यूज़ के ऊपर कल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर हमारी कोई जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत टफ होती जाएगी ना। आप देखें कि ये जो अमेरिका की जो विजिट हुई है वहाँ पे हैं, आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, और 2020 में उसको दोबारा जो है वो इलेक्शन जीतनी है, अगर उसको इलेक्शन जीतनी है, और पेंटागन को डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा, वो भी चाहेंगे कि ये कामयाब जाए, तो उसके लिए उसको अफगानिस्तान और ईरान में कामयाबी चाहिए, ज्योग्राफिकली उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं कर सकती, उसके लिए भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इसलिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, चाहे इकोनॉमिक के हवाले से इश्यूज़ हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इशू हो, उन इश्यूज़ के ऊपर अगर हम उनकी लीडरशिप से बात करते हैं, तो उसका मकसद ये कभी नहीं है कि हमें वो लचक आ गई है और हम कंप्रोमाइज़ करेंगे करप्शन के ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। नहीं, वो खान साहब के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है उस चीज़ के ऊपर, मगर मुल्की इश्यूज़ के ऊपर, अगर उन इश्यूज़ के ऊपर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे इंडिया वाला मैटर हुआ, एक ब्रीफिंग हुई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर वहाँ पर मौजूद थे, तो एक अच्छी चीज़ है। मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इस मुल्क को अच्छी मुकम्मल फॉरेन पॉलिसी नहीं बनी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी है। हमारा मुल्क इकोनॉमिकली कमज़ोर बना, सारे लोगों को, जिन जिन लोगों ने आज तक जो हुक्मरान हैं सबकी कमज़ोरी है। तो क्यों नहीं इस मुल्क को संवारने में, इस मुल्क को दो चैलेंजेस हैं, अच्छी फॉरेन पॉलिसी, अच्छी इकोनॉमिक्स पॉलिसी।
اس کو اور اعتبار کہ لوگوں کو پتا ہو کہ عوام جو لیڈرشپ ہے وہ آنےسٹ ہے ایماندار ہے پالیسی کہیں غلط کہیں صحیح ہوتی ہے مگر ہمیں اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے مل کے نکالنا ہے یہ جو کانفیڈنس لیول ہے یہ کانفیڈنس لیول ہمیں مل کے لانا پڑے گا اگر ہم نے نہیں لایا تو دیکھیں میں بزنس کمیونٹی سے بھی رکھتا ہوں میں مائنارٹی سے بھی رکھتا ہوں میں سیاست سے بھی رکھتا ہوں رمیش کمار صاحب پوائنٹ آپ کا لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی مفاد کے لیے ملک کی بہتری کے لیے ظاہر ہے مل کر چلنا پڑے گا اور تمام سیاست کو ان بورڈ میں لینا پڑے گا لیکن ظاہر ہے کرپشن پر رنس پالیسی خان صاحب کی برقرار رہے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر اسی موضوع پر اور مزید موضوعات پر بھی مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے مشیر عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری کے معاملے پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں پرسوں ان کو گرفتار کیا گیا تھا معاملہ یہ تھا کہ دفعہ 144 کرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی میں وہ ملوث پائے گئے انہوں نے اپنا مکان 1.5 لاکھ روپے کرائے پر ایک شخص کو دیا اور اس کے کوائف متعلقہ تھانے میں جمع نہیں کروائے گئے جس پر ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے ان کی گرفتاری کا حکم آیا انہیں گرفتار کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کر انہیں پیش بھی کیا گیا اور عدالت نے ان کا 14 روزہ گزشتہ روز جوڈیشل ریمانڈ دیا تھا لیکن آج چھٹی کے روز ان کو ضمانت مل گئی 20,000 روپے کے مچل کے انہوں نے جمع کرایا جس کے عوض انہیں ضمانت مل گئی اس معاملے پر اپوزیشن کی جماعت نون لیگ نے خاص طور پر بہت زیادہ شور مچایا اور کہا کہ یہ گرفتاری وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے ذریعے براہ راست وزیر اعظم عمران خان نے حکم دے کر کروائی ہے اور اس معاملے کو لے کر حکومت پر بھی خوب تنقید کی گئی تو سمیع ابراہیم صاحب یہ جس طرح سے گرفتاری ہوئی کتنا بڑا یہ معاملہ تھا اس پر کیا گرفتاری اس طرح سے ہونی چاہیے تھی ہتھکڑیاں لگنی چاہیے تھیں پھر آج چھٹی کا رستہ مجسٹریٹ صاحبہ نے جو ضمانت بھی منظور کر لی اگر ضمانت ہی ملنی تھی گزشتہ روز عدالت سے ہو جانی چاہیے تھی کیسے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو آج ہوا وہ تو گورنمنٹ نے ریلیف دیا عرفان صدیقی صاحب کو مسلم لیگ نون کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے اس سے آپ طاقت کا اندازہ لگائیں میڈیا میں کہ لفافہ کس قدر گرم ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ کی جو سپورٹ ہے میڈیا میں وہ کس قدر وہ سپورٹ ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے بتاتا ہوں 70 دن تک ڈاکٹر شاہد مسعود کو جو ایک ڈاکٹر بھی ہیں ایک چینل کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں ان کا ایک ان کی عزت ہے اور وہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو للکارتے ہیں میں رضا سے کہوں گا کہ اگر وہ فوٹیج آپ پلے کروا سکیں جب ہتھکڑیاں لگا کر ڈاکٹر شاہد مسعود کو لایا جا سکتا سمیع صاحب آن آ رہے ہیں فوٹیجز جی دیکھیں وہ کسی یہ میں ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو رانا ثناء اللہ کی گرفتاری پر اور عرفان صدیقی کی گرفتاری پر انہوں نے اس قدر وہ روئے ہیں چیخے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان گر پڑا ہے دیکھیں پاکستان میں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ بس ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا بدماش اچھا ہے میں یہ آج جو یہ قلم کی گرفتاری اور صحافی کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ تب کیوں خاموش تھے جس وقت ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ یہ ہو رہا تھا عرفان صدیقی صاحب کو تو ایک دن میں ریلیف دے دیا عدالت سے ملا نہیں ریلیف اور سرکار نے میجسٹریٹ نے ان کو ریلیف دے دیا اب اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر میں نے ابھی آپ کو ایک اور تصویر بھیجی ہے قانون سب کے لیے اگر رضا وہ بھی چلا دیں یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی تصویر ہے جو جیل میں جب ان کو سزا ہوئی تو جیل کی وردی پہن کر جیل کا کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر روزانہ پریس کانفرنس جب وہ جو ووٹ کو عزت دو والے لوگ ہیں پچھلے 6 دنوں سے ان کا ایک ایشو ہے اے سی دیں ایئر کنڈیشن دیں نواز شریف صاحب کو ابھی تک انہوں نے جیل کی وردی نہیں پہنی میرا یہ سوال ہے رمیش کمار سے کہ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں قانون اگر سب کے لیے برابر ہے تو یہ جو بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سزا یافتہ بھی ہو گئے ہیں جو عدالت نے جن کو مجرم ڈکلیئر کر دیا نہ وہ جیل کی وردی پہنتے ہیں نہ وہ وہاں پر جو جیل کے مطابق جو دوسرے قیدی ہیں اس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب اگر پکڑے گئے ان کو ہتھکڑی لگ گئی تو یہ پاکستان کا قانون ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا یا پکڑنا چاہیے تھا بھائی اگر حکام نے پکڑا غلط کام تھا تو عدالتیں ریلیف دینے کے لیے موجود ہیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ سسٹم کام کر رہا ہے وہ بھی ہاتھ میں قلم لے کے تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مولانا فضل الرحمان اس ملک کو اس سیاسی جماعت کو تحریک انصاف کے کو ختم کو حکومت کو ختم کرنے کے لیے مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں ناموس رسالت کھیل رہے ہیں یہ عرفان صدیقی کی گرفتاری پر جو نوحہ پڑا ہے اس نے احمد میر نے
और ये जो सारे लोग चीखों पुकार कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। भाई कानून आम आदमी को नहीं पकड़ते क्या? वहां पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, इरफान सदीकी साहब को पकड़ लिया, अच्छा नहीं पकड़ना चाहिए था ये बात भी मान ली, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई खिलाफ कानून तो बात नहीं हुई। वो जो घर है वो इरफान सदीकी साहब की मलकियत है, उनके बेटे ने साइन किए वहां पर तो इसमें कौन सी ऐसी को टेक्निकल वो बात है? बेसिकली वो घर इरफान सदीकी साहब का ही है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अब चले उनको रिलीफ मिल गया एक दिन के बाद, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये रीत गलत है। अगर शोर मचाने पर रिलीफ मिलता है तो फिर तो सिर्फ चंद लोगों को रिलीफ मिलेगा, फिर ये पाकिस्तान के, ये फिर सब गरीबों के लिए पाकिस्तान बराबर नहीं है। हर आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि उसके लिए स्क्रीन पर बात करें आके। ये जो अभी बड़े बड़े जय्यद सहाफी आपको जो लाखों रुपए तनख्वाह लेके और मीडिया ओनर्स बातें करवा रहे हैं, इनके मफादात हैं इरफान सदीकी से, मुस्लिम लीग नून से, बहुत सारे लोग इस तरह पीपुल्स पार्टी के भी होंगे, कुछ लोग इस तरह तहरीक इंसाफ के भी होंगे, लेकिन ये बात गलत है। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। रमेश कुमार साहब, ये वादा इंसाफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, तो ये जो इस तरह से आप जजीरे बना रहे हैं ताकत के और उनको आप फिर आगे लेके चल रहे हैं और आप इस बिना पर के जी कौम को आगे लेके जाना है। मुझे ये बात बताएं, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि सारे मिलकर ये इसको हल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन लड़ा तब तो ये नहीं कहा कि जी हमें वोट दे दें, इलेक्शन हुकूमत में आने के बाद हम इन सब सासी जमातों को लेके साथ चलेंगे। आपको लोगों ने वोट दिया कि आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, आप कह रहे हैं कि जी हम अकेले हल नहीं कर सकते। अगर आप इनकेपेबल हैं अकेले, अगर आप नहीं जा सकते आगे, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि जी अब हमें सबकी मदद की जरूरत है? आपको मैंडेट दिया लोगों ने कि आप हल करें सारे मसाइल, आप कोशिश तो करें। अभी तक जो इमरान खान ने अचीव किया है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने और फजलुर रहमान ने क्या मदद दी है? आइसोलेशन में पाकिस्तान था, तालिबान को आप मुजाकरात की मेज पे ले आए, अमेरिका ने आपको वेलकम कहा, आगे आप एग्रीमेंट करवाने के लिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, क्या मदद चाहिए आपको इनकी? एक बहाना बना के आप अपने कोलीग्स को रिलीफ देने की बात करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं कि जनाब ये सारे मसाइल जो है वो मिलके हल होंगे, फिर हट जाए, इस्तीफा दे दें, आप चले जाए, कह दें जी हम अकेले हल नहीं कर सकते। ये हर वक्त सौदेबाजी, हर वक्त कंप्रोमाइज, हर वक्त मसलियत, ये इसी ने माजी में बर्बाद किया और अभी भी बर्बाद करेगी। सही जी रमेश कुमार साहब, कुछ बातों से समी इब्राहिम से मैं एग्री हूँ, कुछ से डिसएग्री हूँ। एक तो उन्होंने बात की इरफान सिद्दीकी के हवाले से, मैं समझता हूँ पेशे के साथ, क्योंकि लोग पेशे को इस तरीके से, उस्ताद का एक माँ बाप की तरह पेशा होता है मगर वो उस तरीके से चलता नहीं है। महाराज का भी एक रोल मॉडल होता है, मुला जो उलमा होता है उसका भी एक रोल मॉडल होता है मगर वो होता नहीं है। बात सिंपल में ये है कि आदमी को पेशे के साथ उसके जुर्म को रिलेट नहीं करना चाहिए। और इरफान सिद्दीकी के हवाले से जिस तरीके से कुछ सियासतदानों ने या कुछ मीडिया ने जिस तरीके से इसको स्प्लिट किया है, बिल्कुल गलत किया है। आप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे किसी भी पेशे से उसको तालुक रखता हो, अगर उसने कोई जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस को एफआईआर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कोर्टें हैं उसके ऊपर रिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल जितना कुछ इस तीन दिन से इस हवाले से जो बातें हुई है 100% मैं समी इब्राहिम से एग्री करता हूं कि ये सारी गलत हुई है। मैं तो आपको ये बताऊं कि इरफान सिद्दीक मियां साहब का आधा बेड़ा गर्क करने वाले में मरियम नवाज के साथ भी इरफान सिद्दीकी का हाथ था। तो इन चीज़ों को छोड़ें कि इनका क्या रोल था क्या नहीं था, कलम दिखा के इस तरीके से, कलम कहीं पर बहुत अच्छा चलता है, कलम कहीं पर जो है वो बिल्कुल एंटी चलता है। तो कलम का इस्तेमाल जो है वो अहमियत रखता है, कलम अहमियत नहीं रखता है, इस्तेमाल उसका कैसा हुआ है वो अहमियत रखता है। तो इरफान सिद्दीकी के हवाले से मैं समी इब्राहिम की बात से एग्री हूँ। दूसरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये क्यों कहा। देखिए मेरी समी साहब, मेरी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर नज़र है और मैं आपको बताऊँ, हमें मुल्क को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा और मुल्क को अंदर से अगर हम इस तरीके से आपस में, क्योंकि इस वक्त हमारी जो ज्योग्राफिकली जो पोजीशन है, आज से नहीं पहले से है, हमेशा ये रहा है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आती है तो वो जाके एस्टेब्लिशमेंट के बाहर जाके उसके खिलाफ बात करती है, और जब एस्टेब्लिशमेंट जब हुकूमत में होती है तो आप समझें कि जो पॉलिटिकली यहाँ पर मूव जो बाहर जाके लेते हैं एक असाइलम, वो जाके उस किस्म की प्रोग्राम, हमें मुल्क को अंदर से कमज़ोर किया। इवन दहशतगर्दी, कोई बाहर का मुल्क हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं कर सकता था जब तक हमारे अंदरूनी लोग अगर मिले हुए नहीं होते। हमें अंदर से पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा।
इलेक्शन का एक माहौल होता है, उसके अंदर और माहौल होता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के ऊपर समझदार लोगों को, टॉलरेंट लोगों को अगर मिला के इस मुल्क की खातिर अगर आदमी मिला के चलता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लेवल पे कि वो अपना मुंह बंद करें, इस मुल्क के खिलाफ बात नहीं करें, नहीं तो क्या होता है? नहीं, बात ये होती है कि आज एक तरफ हम जा रहे हैं मुल्क का अच्छा एमएलए की अपोजिशन, वहाँ पे ही जो है उनकी दूसरा जो ग्रुप होता है, हर जगह पे दो दो हिस्सों में गवर्नमेंटें डिवाइड होती है, एक गवर्नमेंट होती है, दूसरी अपोजिशन होती है। हमारी अपोजिशन फिर अपोजिशन से जाके मिलती है। हम अपने मुल्क को अंदर से, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बूस्ट चाहिए, इस वक्त ये नहीं चाहिए नॉर्मली हम ग्रोथ करें, इस वक्त हमें बूस्ट चाहिए। और ये जो टाइम है 2020 की इलेक्शन अमेरिका की, ये हमारे लिए अच्छी भी है, हमारे लिए बुरी भी है। अच्छी इस हवाले से कि अगर हम सोच समझ थिंक टैंक के साथ जॉइंटली अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारी मुल्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मगर अगर हम अंदरूनी मसाइल में भी घिरे हुए होंगे, हम ठीक है अपनी अन्ना में रहेंगे कि हमारे ये वायदे हैं, हम इस मुल्क को अभी इतनी हमें रेस्पेक्ट मिली है, अब हमारा गुरूर हो गया, अब और हम जो अच्छे तरीके से जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हम जितना फायदा ले सकते हैं उतना फायदा नहीं लेके, और हो सकता है कि हमें अनजाने में कोई हमसे गलती भी हो जाए। क्योंकि माजी में भी आपने देखा कि रशिया के हवाले से जो हमारा जो स्टेप था, जिस स्टेप के हवाले से हमने कुछ पाया नहीं, हमने खोया है। और ये जो माजी है, हिस्ट्री जो है वो सीखने के लिए होती है, हिस्ट्री दोहराने के लिए नहीं होती है। और मैं समझता हूँ आप जैसे तजर्बेगार लोग जो है हमेशा अच्छी एडवाइस है, इन हवालों से टीस नहीं करेंगे। आपने ये कहा था, अभी इसी जगह पे अगर मेरी जगह पे अगर और कोई होता तो कहता कि समी इब्राहिम साहब आपने जो बिल्कुल कहा, बिल्कुल हमने कहा है, बस अल्लाह हमें हिम्मत देगा, हम ये करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, समझदार लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें आगे बहुत समझदारी के साथ इस मुल्क के लिए, मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी है इस मुल्क को, रमेश कुमार साहब, कराची और हैदराबाद को गुलाब के पानी से, रमेश कुमार साहब ठहरिएगा एक सेकंड के लिए, धरती माँ को अपनी माँ की तरह समझते हैं, और इस इधर एक भूखे को भी हम भूखा नहीं देख सकते। एक सेकंड रुक जाइए भाई, भूखे के, और इसीलिए तो एक मिनट में इसमें जवाब देता हूँ। रमेश साहब, अपोजिशन जब ये कहती है ना कि सारे मामला मिलकर हर होंगे करने चाहिए, तो वो तो अपने लिए रिलीफ मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बाहर होते हैं और उनको बड़ी इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में नारे लगाए जाते हैं, खुदा के लिए ये मत कहें कि जो आपका मैनिफेस्टो है वो झूठ पर मबनी है, वो लोगों को आप बेवकूफ बनाने के लिए बात कर रहे हैं। पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर के साथ है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। आप अगर कौमी मफाद पर एक कदम उठाते हैं और अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है। अगर मुल्की मफादात पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज पर अगर अपोजिशन आपको सपोर्ट नहीं करती, तो अवाम में वो इररिलेवेंट होगी। और ये हुआ है, ये जो यौमे स्याह में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए अभी तक, जो अपोजिशन इररिलेवेंट है इतनी ज्यादा महंगाई के बावजूद, उसकी वजह यह है कि अवाम को यह पता है कि अपोजिशन अपने जाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दे रही है। रमेश कुमार साहब, आपको खौफ किस बात का है? आप देखें वॉशिंगटन में इमरान ने जलसा किया, लोग इस तरह से आए हैं कि जलसा कार की जो जगह है वो कम पड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप से कहना पड़ा कि पॉपुलर तरीन प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, पॉपुलर लीडर है, तो आपको डर किस बात का है? कौमी मसले पर अगर अपोजिशन आपके साथ नहीं है तो इररिलेवेंट हो जाएगी, लोग उसे रिजेक्ट करेंगे। दुनिया की हिस्ट्री में किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके ओवरसीज का इतना बड़ा इवेंट करे, आई नो। और इसी जलसे की वजह से इमरान खान साहब को ट्रंप ने कहा कि पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, मैं जानता हूं, मैं मुझे ये भी पता है कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे, मगर मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम मिलकर बढ़ेंगे। रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, समी इब्राहिम तजियाकार से गुफ्तगु कर रहे थे, इसी मौजू पर किसी और प्रोग्राम में भी मजीद तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।